देखो मैंने सब पार्ट ये देखो क्लीन करके लिया है, पेट्रोल से, पेट्रोल से क्लीन किया। अभी देखो स्प्रिंग भी क्लीन किया है, अपना लॉक स्प्रिंग रहता है वो, ये भी क्लीन करके लिया है, सब पार्ट क्लीन करके लिया है। और अभी आपको मैं ऑयल सील दिखा रहा हूँ, देखो ऑयल सील, ये आपका पुराना ऑयल सील है, ये अभी मैंने नया लाया है, उस पर 37 नंबर है, दिखाई देगा देखो, देखो 37 तो कुछ है, 37 नंबर का ऑयल सील लगता है। आप किधर भी अपना दुकान में जाओगे तो आपको 37 नंबर का आपने मांगा तो आपको मिल जाएगा। ये हमें भी मालूम नहीं था, हमने हमारा खुद का शॉप है पार्ट का, स्पेयर पार्ट का, इसलिए हमें सब चीज़ हमारे इधर अवेलेबल होता है, इलेक्ट्रिक गाड़ी का हमने सब गाड़ी का ऑयल सील लगाया है। मैंने बोला था ना आपको क्लीन करने के बाद आपको दिखाई देगा, ये देखो ये थोड़ा सा अपना इधर डैमेज हुआ है, पाइप कट गया है। अभी पाइप को बदल के मतलब नहीं है, क्योंकि ये चलेगा पाइप, मुझे तो लग रहा है कि चलेगा, लेकिन थोड़ा कम चलेगा, जल्दी लीकेज हो सकता है। अभी ऑयल सील अपन को इसमें मारना है, अगर ऑयल सील मार के लेने हैं इसमें तो कैसा मारना है मैं दिखा देता हूँ। ये अपना ऑयल सील है, पोजिशन ऐसा रखना है ऑयल सील का, ये जो अंदर का स्प्रिंग है देखो, ये अंदर में रहना चाहिए ये स्प्रिंग, इसके अंदर उलट स्प्रिंग रहता है और इसके अंदर एक स्प्रिंग रहता है, वो ऐसा लगा के इसके अंदर मारना है। देखो अभी हाथ से दबा के इधर तक जाएगा और आपको अभी परफेक्ट करना है, तो क्या करना है, जो अपना पुराना वाला जो ऑयल सील है उसके ऊपर ठोक देना है, उसको ऐसा इसको ठोक देना है, तो आराम से ठोकेगा, ज़्यादा घाई नहीं करेगा, गड़बड़ नहीं करेगा, गड़बड़ करना हो कि आपका रेडियो शॉर्ट हो जाए, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो आप भी बोर होते हैं देखने के लिए। कितना आया, उतना ही आया, अभी उसको निकालना है, सोचते जो आपने अभी नया डाला है हमने उसको निकालते हैं। देखो उसको निकालने के बाद आपको दिखाई देगी, इधर इसके अंदर एक स्लॉट है, इधर अपना ये लॉक स्प्रिंग बैठता है, सर्किट भी बोलते हैं उसको, ये बैठता है इधर, ये बराबर आ गया तो समझ लेना अपना परफेक्ट ऑयल सील बैठ गया है। इसको अभी ऐसा लगा देंगे, थोड़ा दबा के लगा देंगे, फिर उसको स्क्रू ड्राइवर से सीधा करके उस स्लॉट में पिटा देना है। एक बार इधर ये लॉक हो गया अच्छी तरह, तो समझ लेना अपना ये देखो बराबर पूरी तरह लॉक हुआ है, यानी अपना ऐसे बराबर बैठ गया। अभी क्या करना है, अभी डायरेक्ट ऑयल नहीं डालना है, अभी क्या करना है, ये अंदर का जो है ये सिस्टम पूरा जोड़ देना है, ये अंदर से इसके अंदर स्प्रिंग रहेगा, ऐसा स्प्रिंग नहीं जाएगा, उसके बाद में ये अंदर डाल दो, अंदर डालने के बाद इधर बाहर आना चाहिए, बाहर आने के बाद ये जो कैप है इसके ऊपर लगेगा और ये पूरा उससे इसको लॉक करना है अंदर से, जैसा मैंने निकालते समय किया था वैसे ही इसमें लॉक कर देना है। अभी हिलने लगा हम लॉक हो गया, थोड़ा सा उसको ठोकना है ताकि बराबर बैठ जाएगा, फिर उसके बाद में ये ऊपर से ऐसा डालो, थोड़ा धीरे धीरे डालने का देखना है बराबर आया कि नहीं, उसके बाद में थोड़ा सा मिला मिला के एडजस्ट करना है उसको, उसका ये देखो ये उसका बोल्ट है वो अभी डालना है हमें, एलन की में डाल के उसको अंदर उसको फिट करना है, वॉशर को अपना अंदर ही है उसको चिपक के देगा, वॉशर डालने की ज़रूरत नहीं है, अभी इतना अच्छी तरह जा रहा है तो समझ देना कुछ वही। देखो अभी नीचे घूमने लगा तो नीचे क्या कर रहे हैं, उसको पकड़ना है, उसको पकड़ना है, पैर मेरे पकड़ो इधर भी पकड़ो, और जोर से उसको टाइट कर दो,
ये लॉक हो गया है, परफेक्ट हो गया है। अब उनको अभी चेक करना है, तो इसमें हाथ रखना है और दबाना है और हवा छोड़ के देखना है। तो हवा अंदर एक्सपर्ट होना चाहिए, तो समझ लेना कि अपना काम परफेक्ट हुआ है, नहीं तो हवा लीकेज हो जाएगा। जैसा अपना हाथ रखते हो समझो, अपना किधर लीकेज रहेगा तो हवा इधर से भी लीकेज हो जाएगा, इधर अपने को प्रेशर नहीं है, हाथ पे प्रेशर आना चाहिए। दबाने के बाद हाथ पे प्रेशर आना चाहिए। अभी इसमें क्या है कि क्या आप लगा देंगे, क्या पैसा लगाते हैं वो तो जो तो कोई भी लगा देगा। और उसके बाद में अभी फोर कॉइल डाल देंगे, ऊपर से बोल्ट लगा देंगे, हो गया अपना। फिर अपना गाड़ी में फिट कर देंगे।